जब भी हम ऐसे गांव की बात करते हैं जहां हर घर से एक सरकारी ऑफिसर हो, तो सबसे पहले जौनपुर के माधवपट्टी गांव का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिर्जापुर का नीबी देवरिया गांव भी किसी मायने में कम नहीं। इस गांव में हर घर में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और यहां की कहानी वाकई में प्रेरणादायक है। मिर्जापुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर स्थित नीबी देवरिया गांव में नौकरी का सिलसिला 2.5 दशक पहले शुरू हुआ था और अब तक यह जारी है। इस गांव में कुल 113 घर हैं और आबादी 3,278 है। यहां 904 मतदाता हैं, लेकिन सबसे खास बात ये है कि यहां की साक्षरता दर लगभग 99% है। गांव में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक 116 से अधिक लोग सरकारी नौकरी में हैं और 30 से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में कार्यरत हैं। यह गांव शिक्षा और प्रतियोगिता की मिसाल बन चुका है। यहां का हर युवा पढ़ाई के प्रति समर्पित है और अपने पसंदीदा क्षेत्र में नौकरी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। आइए जानते हैं कि नीबी देवरिया गांव के लोग कौन कौन सी नौकरियों में कार्यरत हैं। यहां 1 IAS, 3 पशु चिकित्सा अधिकारी, 5 पशुधन प्रसार अधिकारी, 1 मेजर, 1 सहायक अभियंता PWD, 1 असिस्टेंट XN विद्युत विभाग, 1 SDO विद्युत विभाग, 74 शिक्षक, 2 रजिस्ट्रार, 1 कानूनगो, 27 इंजीनियर, 8 डॉक्टर, 1 वैज्ञानिक, 21 स्टाफ नर्स व ANM, 1 इंडियन ऑयल, 2 हिंडालको, 8 NTPC और 2 सरकारी बैंकों में कार्यरत है। गांव के शंकर सिंह बताते हैं कि गांव में शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहां हर सेक्टर में लोग कार्यरत हैं और घर से ही बच्चों को गाइड किया जाता है। यही वजह है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी में कार्यरत है। ये नीली देवरिया गांव है। यहां पर ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कोई सरकारी कर्मचारी न हो और पढ़ाई लिखाई का साक्षरता अच्छा रहा है। कैसा रहा है, मतलब ऐसा बचपन से किस तरीके से यहां पर पढ़ाई लिखाई के लिए रहा? यहां से गांव में हमारे सभी लोग नौकरी करते हैं, मान के चलिए घर घर सभी लोग नौकरी करते हैं, तो सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर विशेष ध्यान देते हैं। शुरू से तैयारी हो, कंपटीशन हो, हर चीज हो, और पूरा गांव हमारा शिक्षित है, इसलिए शिक्षा पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए हमारे गांव में इतनी ज्यादा नौकरी है। साक्षरता दर क्या है, मतलब जो है साक्षरता दर मान लीजिए 99% में है। दो चार गांव में खोजने पर शायद 2-4 लड़के ऐसे मिल जाए, वही बच्चे भी हैं। बड़े में तो कोई नहीं मिलेगा, छोटे लोग में 2-4 बच्चे मिल सकते हैं आपको, जो कि ऐसा मिल जाए कि भाई अच्छी तरह से शिक्षित नहीं है। पढ़ने वो लोग भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यही कारण है कि हमारे गांव में इतनी ज्यादा नौकरी है, बढ़िया से तैयारी करते हैं, सब कुछ होता है। गांव में कौन कौन से पोस्ट के लोग हैं यहाँ पे? जैसे गांव में हमारे देश में कम से कम 10-12 लोग तो जिला अधिकारी हैं, उसके बाद IAS PCS लेवल के भी 3-4 लोग हैं, मतलब हर सेक्टर में है, हर सेक्टर में हमारे गांव के। अच्छा, बचपन से जैसे बच्चे जो होते हैं तो क्या वो बचपन से ही कंपटीशन लेके चलते हैं, किस तरीके से उनका माइंड ट्यूटरेशन रहता है? तो घर से गाइड करना जरूरी होता है, बच्चों का गाइड बढ़िया से घर पे होता है। स्कूल में तो शिक्षा देने से कोई शिक्षित नहीं होगा जब तक घर पे गाइड नहीं करेंगे। तो वहाँ बच्चे अच्छे पढ़े लिखे लोग घर के हैं तो अपने बच्चों को बढ़िया से गाइड करते हैं, ध्यान देते हैं, तैयारी कराते हैं, इतना ज्यादा दर है नौकरी का हमारे। वही संदीप कुमार कहते हैं कि यहाँ हर परिवार में लोग नौकरी कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता होती है और इसी कारण परिवार में एक नहीं बल्कि 3-3 लोग सरकारी नौकरी में हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार सिंह। कौन सा गांव है? एक ग्राम पंचायत नीबी देवरिया। यहाँ पे मतलब हर घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है, कौन सी वजह रही है, किस तरीके से यहाँ पे माइंड प्रिपरेशन कराया जाता है जिस वजह से यहाँ पे लोग? यहाँ पे भैया हमारे यहाँ जानने से करीब 40 से 45 साल 50 साल का उम्र है, मैं जब से जान रहा हूँ हर परिवार में नौकरी लोग करते हैं, इसलिए अगल बगल जो भाई परिवार है सब में कंपटीशन रहता है कि अगर उनके घर में 3 नौकरी है या 4 नौकरी है तो हमारे घर में क्यों नहीं है, लगे रहते हैं, न तो 3-4 तो 1-2 तो मिल ही जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई घर है जहाँ पे कोई नौकरी ना हो या? नहीं, ऐसा पटेल बिरादरी में कोई परिवार नहीं है जैसे जिस परिवार में नौकरी ना हो, मतलब सारे लोगों सारे लोगों। साक्षरता दर कैसा रहा यहाँ? साक्षरता दर जो पढ़ाई लिखाई के लोग 99% से ऊपर। जैसे कौन कौन से रैंक के अधिकारी यहाँ पे हैं? यहाँ पे क्लास 1 में होंगे करीब 4-5 लोग,
फिर क्लास टू में होंगे 8 से 10 लोग, उसके बाद फोर्थ क्लास से लेके सारे पदों पे हर विभाग। अच्छा, बच्चों को जैसे बचपन से किस तरीके से तैयार किया जाता है, पढ़ाई लिखाई में किस तरीके से गाइड किया जाता है? हमारे गांव में ज्यादातर लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पहले से ही पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर बनारस शहर, जैसे हमारे यहाँ का 50 से 60% आबादी जो है बनारस रहती है, वो बनारस में शिक्षा दीक्षा जो है अच्छे से देते हैं, फिर बनारस से जरूरत पड़ी तो आगे भी भेजते हैं, कोटा हुआ या इलाहाबाद, कहीं भी भेजते हैं तैयारी। नीबी देवरिया गांव ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास शिक्षा और मेहनत का जुनून हो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। इस गांव की कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या नाम दिया? दिलीप सिंह। यहाँ पे साक्षरता दर अच्छी है, हर घर में एक नौकरी है, क्या वजह रही है, किस तरीके से बचपन से तैयारी? देखिए क्या है सेठ, कि अभी बताए थे चाचा हमारे कि शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर परिवार सदस्य में चाचा हैं, भाई हैं, कोई ना कोई पोस्टेड है, तो वो देख के एक लगन सी हो जाती है कि अरे मेरे चाचा हैं इस पोस्ट पर हैं तो हमको भी इनसे या ऊपर होना चाहिए, तो ये एक लगन शुरू से ही हो जाती है कि हमारे चाचा हैं इस पोस्ट पर हैं तो हमको भी इस जगह जाना चाहिए, तो ये शुरू से ही हो जाता है, मतलब माइंड सेट हो जाता है पहले से ही। अच्छा, साक्षरता दर क्या है और किस तरीके? हमारे गांव की साक्षरता दर लगभग मान के चलिए कि 99% होगा, सारे लोग पढ़े लिखे समथिंग होगा। अच्छा, जैसे कौन कौन से क्लास के लोग हैं यहाँ पे और किस तरीके? ए में होंगे करीब 8-10 लोग हैं, फिर बी में भी हैं कुछ लोग, मतलब फिर उसके बाद में लगभग 80 से 70% के लोग में बी और सी में हैं, और हाँ और अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, साइंटिस्ट है कोई, कोई IAS है, कोई ऐसे ही बहुत लोग हैं यहाँ पे। लोकल 18 के लिए मिर्जापुर से मुकेश पांडे की रिपोर्ट।